देर रात जब देश सो रहा था तब रूस का एक जहाज भारत में उतरा। युद्ध को एक साल पूरे होते ही रूस भारत पहुंचा है। इस जहाज में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव थे। रूसी विदेश मंत्री के भारत में कदम रखते ही यह तय हो गया कि आने वाले दिनों में भारत में कई कूटनीतिक आतिशबाजियां होने वाली हैं। G20 सम्मेलन की पहली बड़ी बैठक के लिए बड़े बड़े देशों के विदेश मंत्री भारत पहुंच रहे हैं। इस बैठक से पहले कई ऐसे ऐलान हुए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले चीन और जापान के ऐलान से भी माहौल गर्मा गया है। आने वाले कुछ दिन भारत के साथ साथ दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक परीक्षा होने वाली है। आपको बता दें कि 1 और 2 मार्च को भारत में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। इस बैठक में कई पश्चिमी देश रूस का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो उस पर हमला कर सकें। और इसी बैठक में अमेरिका और चीन भी आमने सामने होंगे, जो जासूसी गुब्बारे को लेकर एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक दूसरे से लड़ रहे इन देशों को भारत एक मंच पर रखकर कैसे G20 सम्मेलन को सफल बनाएगा। आपको बता दें कि G20 देशों के विदेश मंत्रियों की ये बैठक तय कर देगी कि इन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत का एजेंडा क्या होने वाला है, क्योंकि विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद इन सभी देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक दूसरे से मिलेंगे। विदेश मंत्रियों की बैठक से ये पता चल जाएगा कि मोदी, पुतिन, जिनपिंग, बाइडन और ऋषि सुनक जैसे राष्ट्राध्यक्ष कौन से कूटनीतिक दांव खेलेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि जब रूस और चीन के सामने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के विदेश मंत्री होंगे और इन सभी को संभालने की जिम्मेदारी विदेश मंत्री एस जयशंकर पर होगी, तो क्या जलवे होंगे। पूरा देश देखना चाहता है कि कैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर G20 सम्मेलन को इन सभी देशों का जंग का अखाड़ा बनने से रोकेंगे। पश्चिमी देश चाहते हैं कि इस G20 सम्मेलन में भारत समेत दुनिया रूस का विरोध करे। फ्रांस ने तो ये तक कह दिया है कि अगर भारत रूस की निंदा नहीं करेगा तो वो G20 बैठक के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर ही नहीं करेगा। जापान ने भी अचानक बोल दिया है कि वो विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं हो पाएगा। अब इसके पीछे क्या कारण है ये अभी तक साफ नहीं है। अब बयानों के इस जाल में विदेश मंत्री एस जयशंकर को ही रास्ता निकालना है। रूस ने G20 सम्मेलन शुरू होने से पहले ही कह दिया है कि पश्चिमी देश भारत में मंच का दुरुपयोग कर सकते हैं। रूस ने कहा है कि इस सम्मेलन में व्यापार, जलवायु परिवर्तन, विकास और कृषि जैसे मुद्दों को ही उठाना चाहिए, लेकिन पश्चिमी देश इस सम्मेलन को यूक्रेन की तरफ मोड़ना चाहते हैं। रूस ने कहा है कि पश्चिमी देश भारत पर भी दबाव बना रहे हैं कि वो रूस का विरोध करे। वैसे आपको बता दें कि भारत में हो रहे G20 सम्मेलन में रूस और यूक्रेन युद्ध के अलावा अमेरिका और चीन का विवाद भी हावी हो सकता है। चीन और अमेरिका के रिश्ते भी एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। आप ये मानकर चलिए कि भारत में आने वाले दिनों में आपको ऐसी आतिशबाजियां दिखने वाली हैं जो आपने शायद ही पहले कभी देखी हो।